हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर 6 में मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके। सेकेंड, हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। और थर्ड वन, हम बात करेंगे ए साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सो लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आखिर तक देख लीजिएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस होते हैं? दोज इक्वेशंस इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन तक हो, सो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस फाइव इज़ इक्वल टू टू, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरह इसके ये एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 तक है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो ये लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल्स है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशंस है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि ये लीनियर इक्वेशंस है इन वन वेरिएबल, क्या इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x x x, ओके। यहाँ पर अगर देखें ये भी लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, ओके, इन टू वेरिएबल्स। सो मुख्तसर ये कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन हम ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तक हो, सो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ x इस्तेमाल हुआ है इन तमाम इक्वेशंस में और x की पावर 1 है तमाम इक्वेशंस में। इसी तरह दो वेरिएबल्स यहाँ पर इस इक्वेशन में इस्तेमाल हुए हैं x और y, और दोनों की पावर जो है वो 1-1 है। इसमें भी x और y की पावर 1-1 है, यहाँ पर भी 1-1, ओके। सो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस, और ये इसके टाइप्स है। ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस तरह थ्री में भी हो सकते हैं, फोर में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम्स, ओके। अब नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो चलें देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसे कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम किसे कहते हैं ये समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी तारीफ करेंगे, यानी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल्स इसके ऊपर पेश करेंगे। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास की इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए कलेक्शन ऑफ टू आर मोर इक्वेशंस हैविंग द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
यानी ये मतलब है इसका कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस जिनमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो, एक ही टाइप के वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हों, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस का एक सिस्टम लिखता हूँ। सो किस तरह होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x-4y इज इक्वल टू 18। अब ये क्या है, टू इक्वेशंस है ना। सो दोनों इक्वेशंस में हम अगर देखें सेम वेरिएबल्स इस्तेमाल हुआ है, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है। सो इसीलिए हम इन दो इक्वेशंस को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें थ्री इक्वेशंस भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, वेरिएबल तमाम में सिंगल टाइप भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक में भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम इक्वेशंस लीनियर हो, इस तरह भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17, एक्स की 2 जमा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 या 9। ओके, इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है, 2x+9y² इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशंस को अगर देखें, ये थ्री इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में एज ए एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, सो मतलब ये है कि इन तमाम इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स है वो सेम है, लिहाजा इस कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं, इसको भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको ये समझ में आया होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम किसे कहते हैं मैथमेटिक्स के में। नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि एक सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से क्या मुराद होता है। सो व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इससे पहले हमने बात की लीनियर इक्वेशंस की, फिर हमने बात किया सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। सो आइए सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। सो एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है जिसके अंदर तमाम इक्वेशंस जो होते हैं, जितने भी इसमें इक्वेशंस होते हैं, वो वेरिएबल्स की सेम वैल्यू पर सेटिस्फाइड हो जाए। यानी ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी साइमल्टेनियस इफ ऑल द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x+3y इक्वल टू 13। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। और इसकी एक वजह है कि ये दोनों इक्वेशंस अगर हम इसको वेरिएबल की सेम वैल्यूज़ पर डिफाइन करना चाहें तो ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, ये दो इक्वेशंस फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3, यानी ये दोनों इक्वेशंस फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3 आर साइमल्टेनियस, बिकॉज कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होता है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होता है। सो यही तो प्रॉपर्टी है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की, किस तरह वेरीफाई होते हैं देखते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जगह हम एक्स की 2 और वाई की 3 लेंगे तो 2+3 हो जाएगा इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 2 हो और वाई की वैल्यू अगर 3 हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। अब इन ही दो वैल्यूज़ के ऊपर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 × 2 प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा इक्वल टू 13।
सो यहाँ पर 2 इंटू 2 से 4 प्लस 3 इंटू 3 से 9 इक्वल टू 13, और आखिर में 4 प्लस 9 आता है 13 इक्वल टू 13। सो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस के लिए सेम है और इन ही वैल्यूज़ के ऊपर दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्स प्लस 3y इक्वल टू -4, और एक दूसरा इक्वेशन हम लेंगे 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। अब ये दोनों इक्वेशंस सिमल्टेनियस इक्वेशंस इम्पॉसिबल, ये और ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पेयर ऑफ वैल्यूज़ नहीं है एक्स और वाई के लिए जिसके ऊपर ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड कर जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेता हूँ 8 और वाई की वैल्यू मैं लेता हूँ -4। सो अब देखते हैं कि इन दो वैल्यूज़ के ऊपर ये सेटिस्फाइड हो सकते हैं दोनों या नहीं। सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू -4 इक्वल टू -4। 8 प्लस 3 इंटू -4 आएगा -12 इज इक्वल टू -12, और ये -4 इज इक्वल टू -4। ओके, अब ये इक्वेशन तो इसने सेटिस्फाइड कर लिया है। अब साइमल्टेनियस के लिए ज़रूरी है कि इन ही दो वैल्यूज़ के ऊपर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए। सो आइए देखते हैं, इसमें भी यही वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 8 पुट करने से 4 इंटू 8 -5 इंटू वाई की वैल्यू -4 पुट करने से ये हो जाएगा इक्वल टू 20। अब 4 8 आएगा 32 और माइनस इंटू माइनस से जाएगा प्लस एंड 5 और 20 आएगा 20, इधर भी 20 है। सो 32 जमा 20 52, और यहाँ पर 20 है जो कि हर गेज ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो ये दोनों इक्वेशंस अगर आप देखें ये सेम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि ये हो रहा हो और ये सेटिस्फाइड ना हो, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। और अगर दोनों सेटिस्फाइड हो जैसे यहाँ पर हो गए तो उस दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं बिल्ड करता क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल के ऊपर सेटिस्फाइड हो सकते हैं लेकिन सेम वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल के ऊपर नहीं हो सकते। सो ये था साइमल्टेनियस और नॉन साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के दरमियान फ़र्क। अब ये एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशंस हो सकते हैं, हो सकते हैं कि जो कम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन हो आपके पास उसमें तमाम लीनियर हो, तमाम क्वाड्रेटिक हो, तमाम क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या इसका मिक्स कम्बिनेशन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक कंडीशन होता है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए वो ये है कि वेरिएबल तो सेम होने चाहिए तमाम इक्वेशंस के, क्योंकि वेरिएबल सेम ना हो तो फिर तो ये सिस्टम भी नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल तो सेम होने चाहिए तमाम इक्वेशंस के, और सेकेंडली उन तमाम इक्वेशंस को वेरिएबल्स की एक सिंगल वैल्यूज़ के ऊपर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हर एक इक्वेशन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल के ऊपर सेटिस्फाइड होता है तो इसको हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं कह सकते। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।